जय। हस्तिनापुर पावन तीर्थ क्षेत्र की जय। तुभ्यं नमोस्तु श्री ज्ञानमती सुमाता, तुभ्यं नमोस्तु गणिनी प्रमुखा सुमाता, तुभ्यं नमोस्तु चिर संयतिका सुमाता। हे दिव्य शक्ति सहिताश्च नमोस्तु तुभ्यं। भारत गौरव हे वात्सल्य प्रभाकर ज्ञानमती माता, दिव्य शक्ति अमृत निर्झरिणी सुत माता ज्ञानमती माता, शांति सिंधु की परंपरा में चिर दीक्षित भारती माता। मीरा सत्यवंदन स्वीकारो, गणिनी प्रमुख है श्रुत माता, गणिनी प्रमुख है श्रुत माता। भव्यात्माओं, जिन्होंने 20वीं-21वीं शताब्दी के अंदर गणिनी माता ब्राह्मी आरिका चंदन बाला का अनंतमती का उदाहरण प्रस्तुत किया, ऐसी प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी बाल योगिनी गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल के श्लोच प्रारंभ हो रहा है। दिगंबर मुनि और आरिकाओं के 28 मूल गुण होते हैं। उन 28 मूल गुणों में केश लुंचन एक मूल गुण है और लगातार 69 सालों से पूज्य माता जी ने सैकड़ों सैकड़ों केशलोच अपने जीवन के अंदर किया है। 3 से 4 महीने के बीच में ये केशलोच होता है। आज जम्बूद्वीप हस्तिनापुर की पावन धरा से भारत देश के लाखों भक्तगण ये केश लुंचन की क्रिया करते हैं, कर रही हैं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी। कुछ साधु कमरे के अंदर कर लेते हैं, लेकिन आचार्य शांति सागर महाराज की चतुर्विध संघ परंपरा के अंदर जो क्रिया पूर्ण रूप से साधुओं के करने की होती है, उसमें गुप्त रूप से उस क्रिया को ना करके सभी लोग देखें, लाभान्वित हों, वैराग्य भाव को भी प्राप्त करें, संसार की क्षणभंगुरता, शरीर से वैराग्य, इन चीजों को ग्रहण करके और यदि किंचित मात्र भी मन के अंदर भावना आई कि एक दिन मुझे भी केश लोच करने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो निश्चित रूप से आप एक न एक दिन मोक्ष मार्ग में अग्रसर होने की शक्ति प्राप्त कर सकेंगे। सन 1952 से लगातार पूज्य माता जी केशलुंचन कर रही हैं। 250-300 केशलोच जिन्होंने अपने जीवन के अंदर किए हैं। और केशलोच की एक बात और होती है कि दिगंबर मुनि और आरिकाएं जब केशलोच करते हैं तो उस केशलोच के साथ उपवास आवश्यक होता है। हमेशा कैसी भी परिस्थिति आई, कैसी भी गंभीर अस्वस्थता का समय भी आया, लेकिन हमेशा पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने मूलाचार की उस आवश्यक क्रिया को, जो आचार संहिता कही गई है, उसका परिपालन किया। आज केशलोज भी कर रही हैं और इनका उपवास भी है, निर्जल उपवास होता है। उसमें किसी तरह का कोई सैद्धांतिक समझौता नहीं होता है, अर्थात चर्या चतुर्थ काल की है, शरीर पंचम काल का है। और आप देख रहे हैं दुबली पतली शरीर वाली कांतिमान गणी ज्ञानमती माता जी केश लुंचन की उस वैराग्यमयी क्रिया को कर रही हैं, जो इन्होंने सन 1952 से प्रारंभ किया। वह सतत निर्विघ्न रूप से हर 3 से 4 महीने के बीच में चल ही रही है।
शारद माता का रूप दिखाने वाली और 500 ग्रंथों की लेखिका, तीर्थंकर जन्मभूमि तीर्थों के विकास की संप्रेरिका और विश्व रिकॉर्ड में दर्ज होने वाले भगवान ऋषभदेव की 108 फुट प्रतिमा निर्माण की संप्रेरिका, प्रथम बाल योगिनी, बाल ब्रह्मचारिणी, गणिनी आरिका श्री ज्ञानमती माताजी के इसको केश लॉन्च से आप लोगों को निश्चित रूप से एक वैराग्यमयी संदेश प्राप्त होगा कि चाहे कैसी भी आज इनकी 87 साल की उम्र है, कैसी भी उम्र हो, यदि दृढ़ इच्छा शक्ति है, आत्मबल है, मनोबल है, तो इस शरीर के द्वारा कठोर से कठोर तपस्या की जा सकती है, साधना की जा सकती है। जो बतलाते नारी जीवन लगता मधुरस की लाली है, वह त्याग तपस्या क्या जाने कोमल फूलों की डाली है। जो कहते योगों में नारी, जो कहते योगों में नारी नर के समान कब होती है, ऐसे लोगों को ज्ञानमती का जीवन एक चुनौती है, ऐसे लोगों को ज्ञानमती का जीवन एक चुनौती है। तो पूज्य माता जी आज के श्लोक करने वाली थी, हमें जब शाम को माता जी ने बताया, हमने आग्रह किया कि पूज्य माता जी यदि आप पारस चैनल के समक्ष केश लॉन्च करेंगी तो न जाने कितने भक्तों को, जिन्हें आज एक साल से लगभग आपके दर्शनों का भी सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है साक्षात, उन सब लोगों को आज जम्बूद्वीप हसनापुर की पवित्र धरा से केश लॉन्च देखने का सुअवसर प्राप्त हो जाएगा। हमारा निवेदन स्वीकार किया पूज्य माता जी ने, जिसके कारण आज आप इस केश लॉन्च को जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के रत्नत्र निलय नाम की वसतिका से देख रहे हैं, जहाँ पूज्य माता जी आजकल प्रवास में रत हैं। तो ये केश लॉन्च देखते रहिए, 7 बजे तक तो आपको करीब आधा से पौन घंटा लगभग 50 मिनट लगते हैं केश लॉन्च में, और 7 बजे के बाद जूम पर भी, यानी भगवान ऋषभदेव जूम चैनल जो हस्तिनापुर से सतत जारी है, सवेरे 7:15 बजे से उस पर स्वाध्याय के बहुत सुंदर दृश्य रहते हैं, तमाम लोग स्वाध्याय करते हैं पूज्य माता जी के सानिध्य में, समय सार जैसे महान आध्यात्मिक ग्रंथ राज का स्वाध्याय। अभी आज तो नहीं होगा क्योंकि आज केशलों चल रहा है, और दिन में 2 बजे से गोमठ सार जीव कांड का स्वाध्याय हमारे इंजीनियर पंकज शाह पुणे से चलाते हैं, सैकड़ों लोग उसमें भी भाग लेते हैं। पुनः 6:30 बजे से तो शाम को लोग झूमते गाते नाचते हैं, गुरु भक्ति करते हैं, और पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का स्वाध्याय स्वामी जी कराते हैं, सीधी सरल सच्ची भाषा के अंदर आचार्य पद्मनंदी की वाणी को सुनाते हैं। पुनः डॉक्टर जीवन प्रकाश जी सबको बेसिक नॉलेज आप जैनिज्म की क्लास चलाते हैं, अध्ययन कराते हैं। कल मुझे बताया कि बेसिक नॉलेज आप जैनिज्म के लेवल 2 का जो अध्ययन करा रहे थे उसका कल एग्जाम था, और एग्जाम में बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिए हैं, लगभग 150 से 200 लोगों ने एग्जाम दे करके, जो ऑनलाइन एग्जाम गूगल के अंदर फॉर्म दिया जाता है नई टेक्निक के अनुसार, तो उससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन रहे, उनके आंसर लोगों ने भर के भेजे हैं, और जब रिजल्ट आउट होता है बहुत प्रसन्नता के साथ सब लोग पास होकर के और जैन धर्म के ज्ञान को वृद्धिंगत करते हैं, तो सबको बड़ी प्रसन्नता भी होती है। ऐसे भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर भी 7 बजे के बाद आप केश लुंचन की क्रिया देख सकते हैं, देखिए और अपने बच्चों को भी दिखाइए, बताइए कि जैन धर्म की आवश्यक क्रिया है। आज इस पंचम काल के अंदर इतने कमजोर शरीर के बाद भी हमारे साधुजन ये राख रखी है, जरा सी जो उपले की राख होती है, इस राख को कि हाथ फिसलने ना पाए, उंगलियां मजबूती से बालों को पकड़ सकें केशों को, इसलिए ये राख लगाई जाती है, और इससे केश लुंचन घास की तरह से अपने बालों को नोच करके और उनको रख दिया जाता है। तो ऐसे मंगल केश लोच को आप सब देखिए, और यहाँ पर अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की अष्ट द्रव्य से पूजन ब्रह्मचारिणी बहनें संघ के सभी लोग करने जा रहे हैं, पूजन को प्रारंभ करें। जब लो पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूजन देखो केशलोच की क्रिया जैन समाज की सबसे प्राचीन दीक्षित ब्राह्मी सुंदरी और चंदन बाला के
पद का अनुसरण करने वाली गणनी ज्ञानमती माता जी, इनका जो केशलोज आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन करने वाली गणनी ज्ञानमती माता जी हैं, जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के 3 बार दर्शन किए और अंतिम क्षण तक, यानी आचार्य शांति सागर महाराज की जिस समय संलेखना पूर्वक समाधि मरण चल रहा था कुंथल गिरी महाराष्ट्र में, वहां पर भी पूज्य माता जी सन 1955 में छुल्लिका के वेश में थी और ये केशलोच पूरे माता जी कर रही हैं। वहां पर आचार्य श्री के सानिध्य में 1 महीने तक रहने का पूज्य माता जी को अवसर प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार से एक बात सभी को ये ध्यान रखना है, साधुओं के 28 मूल गुणों में केशलोच एक मूल गुण है और बिना आहार किए कोई मोक्ष जा सकते हैं। जैसे भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता है कि केशलोच करते ही उनको केवल ज्ञान हो गया, यानी उनके आहार करने का प्रसंग नहीं आया और केशलोच करते ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। केवल ज्ञान के बाद तो मोक्ष होता है, आहार नहीं होता। दिगंबर जैन परंपरा के अंदर केवल ज्ञान के बाद कोई भी केवली अथवा अरहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान आहार को नहीं जाते हैं। इसलिए आज वही क्रिया पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी कर रही हैं, क्योंकि बिना केशलोच किए कभी मोक्ष नहीं होता। अब पूज्य चंदनामती माता जी बड़ी माता जी की पूजा करवा रही। सर्वप्रथम चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का चढ़ाएंगे। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है। गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ चढ़ाने को, आए अर्घ चढ़ाने को, दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को। कैसे होते हैं मुनिवर यह बतला दिया जमाने को। ओम चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर आए अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ निरुपामिति स्वाहा। यह अष्ट द्रव्य की सामग्री मेरी पूजा का साधन है, गुरु भक्ति ही कर सकती बस दुर्गति का सहज निवारण है। आचार्य वीर सागर गुरु की जो पूजा निश दिन करते हैं, वे पूजक भी पुण्याश्रव कर एक दिन अनर्घ पद वरते हैं। ओम रीम आचार्य पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर मुनिन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ निरुपामिति स्वाहा। अब भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की मंगल पूजन प्रारंभ करते हैं। केशलोच के इस महान अवसर पर आइए आप भी घर बैठ करके पूज्य माता जी की पूजा में भाग लेकर महान पुण्य का आश्रव करें। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी जिनकी, पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी देव देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है, उनके श्री चरणों में आनन स्थापन करते हैं। सन्निधिकरण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्रावतरो तो सम्मोदावाननम। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र तिष्ठति ठाठाय स्थापनम। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र मम सन्नीतो भव भव षट सन्निधि करमि स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। मुझे अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई
छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लक कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमृति मात्रे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामीति स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमृति मात्रे संसार का विनाश नाय चंदनम नृपामीति स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुख था चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमृति मात्रे अक्षय पर प्राप्ति अक्षितम निर्वपामीति स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघु में ही तपा दिया। इसीलिए तो पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमृति मात्रे काम बाण विदुषनाय पुष्प निर्वपामीति स्वाहा। मानव सुंदर पकवानों से अपनी क्षुधा मिटाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं भूख मिटावे पाते हैं। आत्मा की संतृप्ति हेतु तव वाणी मेरा भोजन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमृति मात्रे क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। विद्युत के दीपों से जग ने ग्रह अंधेर मिटाया है, ज्ञान का दीपक लेकर तुमने अंतरंग चमकाया है। जगत का दीपक लेकर माता हम करते तो प्रण मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञान मात्रे मोहन कार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। कर्मों ने ही अब तक मुझको यह भव भ्रमण कराया है, तुमने उन कर्मों से लड़कर त्याग मार्ग अपनाया है। धूप जला कर तेरे सम्मुख हम करते तो पूजन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमृति मात्रे अष्टकर्म देना धूपम निरूपामीति स्वाहा। कितने खट्टे मीठे फल को मैंने अब तक खाया है, तुमने माँ जिनवाणी का अनमोल ज्ञान फल खाया है। तो पूजन फल ज्ञान निधि मिल जावे यह मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमृति मात्रे मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामीति स्वाहा। पीछे कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल
फूल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्र अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। हे मातु ज्ञान गंग की पवित्र धार है, तेरे समक्ष गंगा की लहरें बेकार हैं। उस धार की कुछ बूंदों से जल धार मैं करूं, वो ज्ञान नीर मैं हृदय के पात्र में भरूं। शांत है शांति धारा द्वाद अनेकांत के उद्यान में माता, बहुविध के पुष्प खिले तेरे ज्ञान में माता। कतिपय उन्हीं पुष्पों से मैं पुष्पांजलि करूं, उस ज्ञान वाटिका में ज्ञान की कली बनूं। दिव्य पुष्पांजलि सिपेत। अब जयमाला, आप लोग भी अपने घर में आपके पास बादाम हो, नारियल हो, जो भी पूजन की सामग्री हो वो हाथ में ले लीजिए और इन महान माता की अपने घर भी बैठ करके जयमाला के माध्यम से भक्ति करेंगे तो महान पुण्य का अर्जन निश्चित होगा। ज्ञान मती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। हे बाल सती माँ ज्ञान मती, हम आए तेरे द्वार पे, शुभ अर्घ्य संजो कर लाए हैं। शरद पूर्णिमा दिन था सुंदर, तुम धरती पर आई। सन 1934 में माँ मोहिन जी हर्षाई, हो माता मोहिन जी हर्षाई। थे पिता धन्य नगरी भी धन्य मैना के, इस अवतार पे शुभ अर्घ संजो कर लाए हैं। बालकाल से ही मैना के मन वैराग्य समाया, तोड़ जगत के बंधन सारे, छोड़ी ममता माया, हो माता छोड़ी ममता माया। गुरु संग मिला अवलंब मिला, पग बढ़े मुक्ति के द्वार पे, शुभ अर्घ संजो कर लाए हैं। शांति सिंधु की प्रथम शिष्यता वीर सिंधु ने पाई, उनकी शिष्या ज्ञानमती जिन ज्ञान की ज्योति जलाई, हो माता ज्ञान की ज्योति जलाई। शिवरागी की वैरागी की ले दीप सुमन का थाल रे, शुभ अर्घ संजो कर लाए हैं। माता तुम आशीर्वाद से जम्बू द्वीप बना है, हस्तिनापुर की पुण्य धरा पर कैसा अलख जगा है, हो माता कैसा अलख जगा है। ज्ञान ज्योति चली जग भ्रमण करी, तेरे ही ज्ञान आधार पे शुभ अर्घ संजो कर लाए हैं। तीर्थ अयोध्या मांगी तुंगी का विकास करवाया, फिर प्रयाग में तपस्थली का नूतन तीर्थ बनाया, हो माता नूतन तीर्थ बनाया। प्रभु समव शरण रथ हुआ भ्रमण, श्री ऋषभ देव के नाम का शुभ अर्घ संजो कर लाए हैं। कुंडलपुर तीर्थ विकास की नई प्रेरणा आई, महावीर की जन्म भूमि में अगणित खुशियाँ छाई, हो माता अगणित खुशियाँ छाई। महावीर ज्योति रथ से उद्योत कर दिया पुनः संसार को, शुभ अर्घ संजो कर लाए हैं। तीर्थंकर की जन्म भूमियों का विकास करवाया, उनके कल्याणक तीर्थों का जीर्णोद्धार कराया, हो माता जीर्णोद्धार कराया।
संदेश दिया उपदेश दिया भावना हुई साकार है शुभ अर्घ संजो कर लाए हैं। लोहे को सोना करे पारस जग विख्यात तुम जग को पारस करो स्वयं ज्ञान मति मात। ओम रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति सरस्वती स्वरूपा गणी प्रमुख श्री ज्ञान मति मात्रे जय माला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांतये शांति धारा केश लोज के इस महान अवसर पर विशेष अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।